मेरे पास अपडेट यही है कि ये जो 24 घंटे में 24 मृत्यु हुए हैं वो बहुत दूर दराज से लोग आते हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ बिल बहुत होता है, और वो बिल का भुगतान न करने के बावजूद उनको ये सरकारी अस्पताल में लाया जाता है। जो छोटे बच्चे थे, जो कम जिसका वजन था वही 4-5 है, और स्नेक बाइट, विष बाधा, ऐसे तरह तरह के थोड़े हैं। लेकिन ये क्या अच्छी बात नहीं है। मैं अभी जा रहा हूँ और नांदेड़ में जाकर मैं पूरा जांच करूँगा, और उसमें दवाई की कुछ कमी नहीं थी। पर लगातार ये डॉक्टर से ठीक है, वो जाकर मैं देखूँगा अभी, लेकिन मुझे जो बताया गया है कि दवाई की कमी नहीं थी, लोगों की कमी नहीं थी, डॉक्टर्स की कमी नहीं थी, इसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ इसका जायजा हम करेंगे। कहीं ना कहीं जो अस्पताल है उस पे जो कर्मचारी हैं उस पे उनसे कुछ कार्यवाही या फिर किसी तरह का आश्वासन जो जिनके मृत्यु हुए उनके पेरेंट्स को? हमने समिति गठित की है, हमारे कमिश्नर और डायरेक्टर वहाँ गए हैं, वो देखेंगे क्या वो करते हैं। मैं भी जा रहा हूँ। पर लगातार जो अपोजिशन की तरफ से कहा जा रहा है, अभी प्रकाश अंबेडकर जी ने भी ट्वीट किया है कि शिंदे सरकार ने हत्या की है, विरोधी पक्ष का क्या कहना है ये अलग बात है, लेकिन सच्चाई क्या ये अलग बात है, वो हम देखेंगे। पर सर दवाइयों की कमी नहीं थी ये मुझे दिन ने बोला। और वहाँ पे और भी लोग आते हैं बाहर से, डिस्ट्रिक्ट से भी? हाँ, बहुत हिंगोली से आते हैं, वाशिम से आते हैं, तेलंगाना के सीमा भाग से बहुत सारे लोग आते हैं।